मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। दिल्ली हिंसा के दौरान आईबी के अंकित शर्मा की हत्या पर अब घमासान मचा हुआ है। अब इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। दिल्ली में हिंसा के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के कांस्टेबल अंकित शर्मा की हत्या हुई और उनका शव नाले में मिला था। इस हत्या का इल्ज़ाम अंकित के परिवार आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन पर लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा जो दिल्ली में हिंसा भड़काने का आरोप झेल रहे हैं, वो अब खुद दिल्ली में हिंसा भड़काने का आरोप ताहिर हुसैन पर लगा रहे हैं। चांदबाग में ताहिर हुसैन आप पार्षद की इमारत की छत की तस्वीरें सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही हैं। हालांकि इस तस्वीरों की हम पुष्टि नहीं कर सकते। कुछ पत्रकारों द्वारा ली गई ये तस्वीरें जो आप पार्षद ताहिर हुसैन के घर के छत की हैं। बॉटल में पेट्रोल बम जैसी चीज़ें दिख रही हैं, साथ ही गुलेल पत्थर एसिड, ऐसी तमाम फोटो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। आप पार्षद पर दंगा भड़काने का आरोप भी लग रहा है। मगर वहीं पुलिस की तरफ से ये साफ नहीं किया गया है कि क्या वाकई में ताहिर हुसैन की छत से ये पेट्रोल बम गुलेल एसिड पत्थर मिले हैं। वहीं ताहिर हुसैन ने भी आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में शामिल होने से इनकार किया है और अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर वीडियो जारी कर सफाई दी है। कहा है कि राजनीति के तौर पर मुझे बदनाम किया जा रहा है। ताहिर हुसैन का कहना है कि उनके घर के छत पर खुद भीड़ चढ़ गई थी। जब पुलिस से मदद मांगी गई तो पुलिस काफ़ी देर बाद पहुंची और पुलिस ने हालात पर काबू किया और मुझे और मेरे परिवार को मेरे साथ सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का भी कहना है कि कोई भी दोषी हो, किसी भी पार्टी का हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर आप पार्षद ताहिर हुसैन ने क्या सफाई दी है, सुनिए। मैं आप पार्षद ताहिर हुसैन आप सबको बताना चाहता हूँ, जो भी खबर मेरे बारे में चलाई जा रही है, दिखाई जा रही है, वो सरासर गलत है। ये गंदी राजनीति के चलते मुझे बदनाम किया जा रहा है, मुझे घसीटा जा रहा है। जब से कपिल मिश्रा ने भड़काऊ भाषण दिया है, तब से ही दिल्ली के हालात ख़राब हैं, जहाँ पे जगह जगह पत्थरबाजी, ये तमाम चीज़ें की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। वैसा ही परसों हमारे यहाँ भी हुआ, जिसको देखते हुए हमने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। एक बहुत सारी भीड़ मेरे जो ऑफिस का गेट है उसे तोड़ के जबरदस्ती अंदर छत पे चढ़ गई थी, जिसके लिए लगातार मैंने पुलिस से मदद मांगी और कई घंटों के बाद यहाँ पर पुलिस फोर्स पहुँची, सब काबू हुआ। और उस वक्त जो यहाँ पे पुलिस अधिकारी मौजूद थे, उनकी निगरानी में पूरे मकान की, पूरी बिल्डिंग की, पूरे ऑफिस की तलाशी ली गई, उसको अच्छे से चेक किया गया और उस पुलिस ने ही हमें, मेरे परिवार के साथ, हमें यहाँ से सुरक्षित बाहर भेज दिया गया था। हमसे कह दिया था कि आप यहाँ से अपने किसी सेफ जगह हट जाइए, क्योंकि यहाँ बिल्डिंग पे दोनों तरफ से कोई भी आदमी इस पे दोबारा से खतरा या बवाल ना हो सके, अपनी जान आप सेफ कीजिए। और मैंने उनसे गुहार लगाई थी कि सर यहाँ से फोर्स ना हटाएं, फोर्स अगर यहाँ से हटी तो मेरे बिल्डिंग का दोबारा से फिर कोई नाजायज फ़ायदा उठा लेगा, जो मैं नहीं चाहता किसी कीमत पे भी। मैंने बड़ी मुश्किल से बड़ी कोशिश की थी कि दरवाज़ा ना टूटे। दरवाजे पर हमने पीछे से जो मेरे साथ में हमारे लोग थे, 5-7 जो हमारे साथ में हमारे वर्कर रहते हैं, वो सब ने पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन फिर भी दरवाज़ा तोड़ दिया गया था। और उसके बाद लगातार पुलिस फोर्स की निगरानी में वो बिल्डिंग, वो जगह रही, पूरी रात रही, कल भी पूरा दिन रहा, लेकिन फिर पता ना ऐसा क्यों हुआ कि पुलिस फोर्स वहाँ से हट गई और उसके बाद दोबारा से दंगाइयों ने वही काम किया जिसका मुझे डर था। ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, मैं इससे बहुत दुखी हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ है। आप यकीन जानिए, मैं एक सच्चा अच्छा भारतीय मुसलमान हूँ और मैं हमेशा से हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए काम करता रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। मेरे बारे में जो भी अफवाह चलाई जा रही है, जो भी गलत फहमी चलाई जा रही है, वो सरासर गलत है। मैं ज़िंदगी में कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं खुद अपने परिवार के साथ अपनी जान बचा कर वहाँ से बाहर निकला हूँ और कहीं अपने जानने वाले के रह रहा हूँ। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि मुझ पर विश्वास कीजिए, यकीन कीजिए, मैं अपने बच्चों की सौगंध खाता हूँ। मैं इस तरह की हरकत, इस तरह की घटिया राजनीति कभी ना मैंने करी है और ना मैं कर सकता हूँ। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।